गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेस। माय नेम इज रौनक जैन फ्रॉम जॉय एंड कैंपियन स्कूल सागर। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3, फ्रीडम ऑफ मोरल स्किल्स ऑफ क्लास 4, द कलरलेस टाइगर। एक टाइगर जो कि बिना रंगों का था। एक समय की बात है, एक बिना रंग का टाइगर था। उसकी जो सारी स्ट्रिप्स थी वो ग्रे और ब्लैक एंड व्हाइट थी। इस तरीके से उसके कलर ना होने की वजह से वो बहुत ही फेमस था। तो जो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पेंटर्स हैं, मतलब कि जो दुनिया के सबसे महान पेंटर्स हैं, वो इस जू में आते थे और उस पे कुछ कलर्स करते थे। None of them was succeeded in doing it। और कोई भी नहीं था जो ये काम पूरा कर पाए, क्योंकि जो रंग थे उसकी बॉडी से वो नीचे गिर जाते थे और उस पर कोई भी कलर नहीं चढ़ता था। फिर उसके बाद एक क्रेजी पेंटर आया, मजीका। वो एक थोड़ा पागल सा आदमी था जो कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में घूम चुका था और बहुत ही खुश था अपनी ब्रश से पेंटिंग करते हुए। और ये कहना भी बहुत सही होगा कि उसने अपना जो ब्रश है वो पेंटिंग के लिए चलाया होगा बिना पेंट के, क्योंकि ना ही उसने कभी पेंट में ब्रश किया था और ना ही कभी पेपर या कैनवास पे उसने पेंटिंग की थी। वो सिर्फ हवा में पेंट करता था। और जब उसने बोला कि वो उस कलरलेस टाइगर को पेंट करना चाहता है, तो सब ने बहुत हंसी उड़ाई, उसकी मजाक उड़ाया। और जैसे ही वो इस टाइगर के केज में आया, मींस टाइगर के पिंजरे में आया, तो वो उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा और अपना सूखा ब्रश टाइगर की बॉडी पे उसने चलाया। और सब सरप्राइज हो गए देख के, जो टाइगर की स्किन थी वो उस पे कलर लेने लगी थी और उसके जो कलर थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, जैसे कि मुश्किल ही कभी किसी टाइगर के पास होंगे। जो मजीका था वो बहुत समय बिताता रहा उस एनिमल के कान में फुसफुसाने के लिए और उसके जो कलर्स कर रहा था उसकी पेंटिंग में कुछ स्लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए। और जो उसका रिजल्ट निकला वो बहुत ही खूबसूरत निकला। सब जानना चाहते थे कि पेंटर का सीक्रेट क्या था। फिर उसने बताया कि जो उसका ब्रश है वो सिर्फ रियल लाइफ की पेंटिंग्स को अच्छा बनाने के लिए है और ये करने के लिए उसे किसी रंगों की ज़रूरत नहीं है। उसने टाइगर को पेंट किया उसके कान में ये कह के कि इन जस्ट अ फ्यू डेज यू विल बी फ्री अगेन, यू शैल सी। कुछ दिनों में तुम देख लेना कि तुम फिर से आज़ाद हो जाओगे। और ये देख के कि जो सैड टाइगर था, जो उदास टाइगर था अपनी कैद में, और वो किस तरीके से खुश हो गया वो जब अपने आज़ादी के बारे में सोचने लगा। और जो जू की अथॉरिटीज थी उसने उस टाइगर को वापस जंगल में छोड़ के फ्री कर दिया, जहाँ पे उसने कभी भी अपने कलर्स जो हैं वो दोबारा से नहीं खोए। यहाँ पे एक हमें थॉट दिया है, फ्रीडम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ, वॉच गिव्स इट इट्स कलर, इट शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। जो आज़ादी है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे घड़ी जो है वो अपने रंग देती है और ये हमेशा ही आदरणीय होता है, मीन्स रिस्पेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है द कलरलेस टाइगर, ये कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे तरीके से रीड कीजिए और इसे समझिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।